आवाज एक इंसान की बहुत बड़ी पहचान है। बचपन में जब एक नवजात शिशु इस दुनिया में अपनी आंखें खोलता है तो उसको अपनी माँ की आवाज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। धीरे धीरे वो अपने पिता और करीबी लोगों की आवाजों को पहचानना शुरू करता है। ऐसे ही शुरू होती है हमारी सबकी जिंदगी के पन्ने। बचपन से ही हम कुछ गानों से जुड़ जाते हैं, कभी लोरी तो कभी मस्ती तो कभी किसी उत्सव के जरिए, और यहाँ कुछ मशहूर आवाजों से पहचान होती है। ऐसे ही एक बेहद मशहूर आवाज से मैं और मेरे जैसे सैकड़ों फैंस जुड़े थे 90s के दशक से। इनके गाने हमेशा ही सुपरहिट होते थे। इनकी दमदार आवाज में रोमांस जैसे शहद की तरह खुल गया है। हम सबके फेवरेट सिंगर केदारनाथ भट्टाचार्य। आप शायद सोच रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। कुछ पल जिंदगी के कुमार शानू जी, वेलकम शानूदा ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ऑन 92.7 बिग एफएम। थैंक यू मधुरिमा, थैंक्स। हमारे इस शो को एक साल हो गया। अच्छा। कई लोगों से बातचीत की और कब से सब बोल रहे हैं इतने सारे चिट्ठियां, इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं बहुत टाइम से, कुमार शानू साहब से क्यों नहीं बात। मैंने कहा मैं चाहती थी कि ऐसा मुझे वक्त मिले जब आपके साथ जब बात करूं, क्योंकि आपकी जो जिंदगी के पन्ने इतने खूबसूरत है, करियर में इतना कुछ सीखा, जाना पहचाना, खोया पाया सब कुछ। तो इसीलिए मैंने प्लान ही किया था मेरे प्रोड्यूसर के साथ कि एक हफ्ता नहीं बल्कि हम दो एपिसोड में इसको चलाएंगे। तो बातचीत खूब सारी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मशहूर इंसान को हम उनके काम से जानते हैं, उनकी कामयाबी से जानते हैं, पर लोग उनकी जो शुरुआती दिन है, बचपन है, उनके आसपास के लोग, करीबी लोगों को, उनको जानना चाहते हैं। तो आपका बचपन तो मेरे शहर में ही था। मधुरिमा, एक्चुअली क्या है कि देखो, मेरे घर में ना मेरा डैडी जो है, मामी जो है, पहला जो गाने का शुरुआत जिसको बोलते हैं मामी के साथ ही हुआ था। क्योंकि मामी घर में रहती थी और बहुत सॉफ्ट किस्म के औरत थी। हारमोनियम बजा के मामी गाती थी, तो साथ में हम लोग बैठ जाते थे तबला लेके, कभी कभी हम गाना भी गा देते थे। एक्चुअली देखा जाए कि हम जब पैदा हुए तब से हम घर में वही क्लासिकल, हाँ क्लासिकल का माहौल जो है, हमारे विश्वदेव चट्टोपाध्याय, बड़े गुलाम अली खान साहब के घराने। अच्छा। तो डैडी तो एकदम प्योर क्लासिकल लाइन, ठुमरी, भजन, गजल एंड ख्याल, फिर बाकी जितना भी है, मतलब श्यामा संगीत बोलो, रविंद्र संगीत बोलो, हमारे में जितने कलकत्ता में है सारा, तो वही सब सुनते हुए हम बड़े हुए। चलिए कुछ बातें बचपन से शुरू करते हैं कुछ ही समय में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड द 5-time विनर ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड कुमार शानू। कुछ पन्ने जिंदगी के हर आर्टिस्ट का एक बचपन है, एक सुनहरा बचपन। कुछ बातें बचपन से शुरू करते हैं। एक बोलता है कि ना, तानसेन होने से पहले कानसेन होना बहुत जरूरी, बहुत है, जरूरी है। तो वो कान जो है ना, मेरा पक्का हुआ था बिकॉज ऑफ दैट के बचपन में वही सुनते सुनते बड़े हुए। नींद खुलता तो भी गाना चल रहा था बाहर, क्लास स्कूल ये सब चल रहा, और उसमें ऐसे ऐसे सब डैडी सिखाते जा रहे हैं, हम लोग बोलते उफ बाबा शुरू हो गया हमारा क्लास, हाँ क्लास शुरू हो गया, चलो। ऐसा था, गरीबी बहुत था इसलिए हमारे पास ऐसा नहीं था कि एक अलग से क्लास बना दे और हम लोग 2-3 रूम में अलग से रहे, क्योंकि हमारे पास 2 ही रूम था। तो क्या होता था कि आपको सुनना ही पड़ेगा, घर के कोने में जहाँ कहीं भी छुपने का कोशिश करो आपको गाना सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना छोटा घर था। बस वही गाना सुनते सुनते बड़े हुए।
बचपन में इस तरह से गुजरे। कलकत्ता का माहौल भी ऐसा है आज भी, जब इतना कुछ प्रोग्रेस हुआ है, जो एकदम बंगाली एरिया वहाँ पे जाए तो घर घर में सुबह सुबह एक तो हारमोनियम और रियाज की आवाज और घुंघरू की आवाज होगा ही होगा, होगा ही, कंपल्सरी कंपल्सरी है। हाँ, वहाँ तो शादी भी होता है कि ससुर देखने आते तो पहले बोलते हैं मामा माँ एक गाना सुनाओ, तो अगर गाना पसंद आ गया तो चाहे वो आड़ी टेढ़ी क्यों ना हो शादी हो जाती थी। ये एकदम कंपलसरी था बंगाल में, आज भी है। हमारे बड़ी बहन का स्कूल है आज भी, एंड स्कूल में नृत्य एंड गाना ये दोनों सिखाया जाता है। अब जानते हैं उनके गाने के सफर के बारे में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम पर मधुरिमा निगम के साथ और मेरे मोस्ट फेवरेट सिंगर कुमार शानू। कुछ पन्ने जिंदगी के। अब जानते हैं उनके गाने के सफर के बारे में। तो आपने तबला भी? आई वाज ए तबला प्लेयर, शुरुआत में तबला सीख किया था 3 साल की उम्र से। अब हाँ एकदम, और 8 साल की उम्र में मैं बड़े बड़े लोगों के साथ, देवव्रत विश्वास, किंग ऑफ टैगोर, उनके साथ स्टेज शो किया, बजाते थे, बहुत अच्छा बजाते थे। इट वाज 78 या 79, मैं बजा नहीं गया था बड़ी बहन और बड़े दादा के साथ। वो लोग तब गाना गाते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना, लता जी के गाने, ढोल कोंगो वगैरह सब बजाते थे। वहाँ पे किसी ने मेरे को फंसा दिया। अच्छा। वहाँ पे नईहाटी करके एक जगह है, नईहाटी रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रैक के ऊपर, वहाँ के कोई मशहूर दादा, तो उनका प्रोग्राम हर साल होता था। उन्होंने इस बार मेरे भाई बहन को बुला लिया था, तो हम लोग ऑर्केस्ट्रा लेके चला गया वहाँ पे। तो स्टेज पे कम से कम 20-22 हज़ार क्राउड, एकदम मुफ्त का है, लाइन के ऊपर है, ट्रेन लाइन के ऊपर। अच्छा। हाँ, उसके ऊपर स्टेज वेज बना के, मतलब वो उसका बाप का राज है ऐसा लगता है। हमारे ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब लग रहा था उस जगह पे। क्या हुआ, स्टेज खाली जा रहा था, जीजा जी ने उनको जाके बता दिया, हाँ सनु गा भी सकता है, अच्छा गाता है, सुनो सुनो उसको, सुनो उसको, एक दो गाना गवा दो। जैसे ही बोला, वो बोलता अरे गा सकता है, चलो उनके पास ले चलो। वो मेरे पास आया सीधा, बोले चलो स्टेज पे चलो, एक दो गाना गा दो। मेरा तो हालत खराब, 20-22 हज़ार क्राउड, मैं थर थर कांपने लगा, मतलब आप क्या बोल रहे हैं। मैं बहुत देर से बोला अरे चुपचाप चलो, एकदम काले कलूटे लंबा। तो मैं बोला तो ये तो पता नहीं मार ही देंगे हमको, पीटेंगे। और उस समय तो नक्सल वक्साल ये वो सब दुनिया भर का लफड़ा वहाँ पे, बहुत दंगा फसाद और चारों ओर मर्डर वर्डर तो कोई बात ही नहीं था, ऐसा हालत था। तो मैं स्टेज पे चला गया, जाके किशोरदा का वादा तेरा वादा एक गाना गाया, और एकदम कांपते कांपते थरथराहट से, मैंने एक जगह खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तो स्टेज के वो उस कोने पे इस कोने पे जाके जाके गा रहा हूँ। तो लोगों ने बड़ा तालियां बजाए उस गाने ख़त्म होने के बाद, बहुत तालियां बजाए वंस मोर करके। तो अपना देश का एक गाना था उस समय, दुनिया में लोगों को, तो वो गाना गाया मैंने, और ऐसा कांप कांप के गाया, मतलब लोगों ने सोचा बहुत डांस वांस करके गा रहे हैं, मैं तो अपने आप को बचा रहा था। तो बड़ा क्लैपिंग व्लैपिंग हुआ, उसके बाद शो वो करके घर आ गया। डैडी का एक नियम था, जब ये लोग शो करने जाते, डैडी हमेशा क्या, वो बरामदा था मेरा घर के बाहर, लुंगी पहने एक पैर उठा के बैठे वेट करता था कि कब आएगा बेटा बेटी, कब आएगा। तो जैसे हमारा गाड़ी आया मेटा रोड में, सब भर के आ गया हम लोग, तो बोला कैसा हुआ शो, कैसा हुआ भाई। डैडी पहले ही पूछता कैसा हुआ तुम्हारा। सब लोग आके बोलते अरे आज तो कमाल हो गया, पशुदा बोलते थे, पशुपति छोटा बेटा ने आपका ऐसा गा दिया एकदम स्टेज पे, बहुत हुलड़ मचा दिया एकदम। तो बोला ऐसा नाच नाच के गाया तो, डैडी बोला, डैडी गंभीर था, तो पुराने ख्यालात के लोग है। तो मैं आया, मैं बोला शायद मेरे को बहुत तारीफ बारीफ करेंगे, डैडी बहुत गुस्से वाला है। तो आती मेरे को एक चपाट लगाया, अच्छा सीधा एक चपाट, एक थप्पड़ फटास करके माथा और कान के पीछे बजाया, जोर से बजा के बोला। बातें जारी रहेंगी शानुदा से, सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी